यह पवित्र गंगा नदी का शहर बिहार की राजधानी पटना है। आजकल इस शहर में अन्याय और खून खराबा बहुत होता है। वैसे कभी से पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। इसी जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे वीर पैदा हुए तथा अर्थशास्त्र लिखने वाले कौटिल्य जैसे विद्वान भी पैदा हुए। यहीं पर दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय भी है। कितने ही देश विदेश के छात्रों ने बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त किया है यहाँ पर। और यह है बिहार के गया का बौद्ध वृक्ष। इसी जगह पे गौतम बुद्ध ने ज्ञानोपदेश प्राप्त करके पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया, इंसानियत और प्यार का रास्ता समझाया। लेकिन इस बिहार के तेजपुर में तो ना है मेरी खता साथिया, ना हो तुम बेवफा ना हो मैं बेवफा साथिया। जो देखा था वो टूट गया इन आँखों का सपना। ये क्या चिल्लाते क्यों हो बेटा? कितनी घबराहट हो गई थी। मम्मी, अरे बच्चों ने बड़ी मेहनत से इनको निकाला था, तुमने फेंका क्यों? क्या बताऊं डैडी, वो हमें मिला इसलिए दीदी हमसे जलती है। सुनो चिंटू, क्यों बेटी उसे रुलाया? सॉरी मम्मी। सुनो मेरे प्यारे भैया, डैडी को सिटी कमिश्नर का प्रमोशन मिला है ना, तो हम इस कॉलोनी को यहाँ के पुराने दोस्तों को छोड़कर चले जाएंगे, तो तुम्हें बड़ा दुख होगा ना। यहाँ के लोगों के साथ गुजारे दिन, तुम्हारे दोस्तों को छोड़ के जाते वक्त तुम्हें इतना दुख हो रहा है, तो यही पैदा हुए इन शंखों को समंदर से दूर करने से उनके दिलों को कितनी चोट पहुंचेगी। हम क्यों अपना घर हमेशा बदलते हैं दीदी? सुनो बेटा, मुझे कमिश्नर बना के प्रमोशन दिया गया है पूरे शहर को बड़ी मेहनत से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए। यही मेरा पहला कर्तव्य होगा। उसके बाद
बस 4-5 महीने में तुम्हारे डैडी रिटायर हो जाएंगे, तब तुम लोग जहां कहोगे वहीं परमानेंटली रह जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, हमारे बाल डांसर्स ने जो मजेदार डांस किया उसको आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। Am I right? So, what are you waiting for? Shall we start the auction? Here she comes, Millie from Mumbai. Here comes Julie from Calcutta. And next comes Indu from Bangalore. So, हमारे बार की तरफ से 40,000 में 50,000. 1 lakh. 1 lakh head. 1 lakh two. And here comes Millie from Mumbai. Hey, इधर आ. सर, इस बार कमीशन तुम रख लो और मिली को भेजो। हमने उसको ऑक्शन कर दिया सर। देखो बस उसे छोड़ दो, बाकी के साथ तुम जो मर्जी करो। ओके सर। क्यों दादागिरी करते हो भाई? दादागिरी हम नहीं तो और कौन करेगा? ये क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप वहाँ जवाब दे रहे हैं? अरे वो एसीबी है, कहीं भी जवाब देगा। तुम ज्यादा बकोगे तो काट दिए जाओगे। सर पे बाल नहीं तेरे और चाहिए मिली की जवानी। चल भाग। फ्रेंड्स, मिली मैटर इज क्लोज्ड एंड हियर कम्स असल मैटर, तो अब शुरू होगा। कौन हो तुम? इस एरिया का ऐसा ही हूं बे। ए, जानते हो मैं कौन हूं? एसीपी हो जानता हूं, पुलिस स्टेशन में होते तो सल्यूट मारता, लेकिन यहां तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो इसलिए तुम्हारा पूरा हाल कर दूंगा। ए, कल सुबह तक सस्पेंड कर दूंगा। कॉन्स्टेबल्स, सर इसे सुबह तक सेल में बंद करके खूब मारो। ठीक है सर। मेरे पास पब चलाने की परमिशन है। पब की परमिशन तुम्हें ऑर्केस्ट्रा बजाने तक है, रेड लाइट एरिया चलाने के लिए नहीं। आफ्टर ऑल तुम एक ऐसे ऐसे क्यों डरते हो? पहले मिनिस्टर को फोन लगाओ। क्या बे? मारेगा क्या? हाँ चल मार। तुम्हें दिखाऊं? पब्लिक को छोड़ के पब के लोगों को अंदर कर दो। ठीक है सर। सर पेट्रोलिंग का समय हो गया। अबे कौन है बाहर? गुरखा। सर्दी में ठंड के मारे लोग सिकुड़ जाते हैं, और तुझे पसीना क्यों आ रहा है? मतलब दिमाग में गर्मी दौड़ रही है, क्यों? सही कहा ना मैंने? Oh, my God.
क्यों बेटी खामखा परेशान होती हो? ये बात नहीं है डैडी, डायमंड नेकलेस चोरी हो गया। चोरी सिर्फ एक डायमंड नेकलेस हुआ ना? क्यों जी, उसे हमने कभी गहना माना है क्या? उसे तो हमेशा आपकी बिछड़ी बहन हमारे साथ है सोचते थे। घर की परंपरा से चला आ रहा है वो गहना भी हमसे दूर हो गया है, ये उसी का काम होगा। डैडी, उसे मैं पहचान सकती हूँ। उसे किस तरह ट्रेस करना है मुझे मालूम है। तुमने पब में एसीपी को मारकर क्यों अरेस्ट करना चाहा और एफआईआर लिखना चाहा, मुझे एक्सप्लेनेशन दो। वो पब इसके एरिया में आता है सर, उन लोगों ने रिश्वत नहीं दी तो इसने उन लोगों के साथ मारपीट की। खबर मिलते ही मैं वहाँ पहुँचा सर, तो इसने मुझ पर भी हाथ उठाया। यू लायर, कितने रुपए लिए वहाँ से, तुमने या मैंने? बोलो, कितने रुपए खाए और मेरा नाम लेते हो? स्टॉप इट। बोलो, मेरे सामने तुमने गुंडे की तरह बर्ताव किया और सुपीरियर को मारने की कोशिश की। एसीपी ने जो कहा वो सच है, मैं मान रहा हूँ। पेट्रोलिंग करना छोड़कर तुमने पब पर रेड क्यों मारी? हाँ, मतलब उन्होंने तुम्हें रुपए नहीं खिलाया इसलिए? जवाब दो। कल रात को मेरे घर में चोरी हुई, एक वैल्यूएबल डायमंड नेकलेस चोरी हो गया है, वो भी मेरे चार्ज लेने वाले दिन हुआ है, ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। Do you know that? पुलिस की वर्दी पहन के तुम गुंडागर्दी करते हो। मैंने पेट्रोलिंग की थी सर, हो सकता है जिसे मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ उस चोर का संबंध आपके घर की चोरी से हो। Oh, don't give me this cock and bull story. तुम्हारी लापरवाही से ही ये सब न्यूसेंस हुआ है। देखो, तुमने दो गलतियां की है, एक अपने हायर ऑफिशियल पर हाथ उठाया और दूसरी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं की तुमने। एंड ऑन दैट बेसिस व्हाई शुडंट आई सस्पेंड यू? नहीं सर, बिना गलती किए आप मुझे सस्पेंड करेंगे तो मैं ट्रिब्यूनल जाऊंगा सर। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जाओ, तुम्हें मैं 2 महीने के लिए सस्पेंड करता हूं। गो टू विच एवर कोर्ट यू वॉन्ट, नाउ गेट लॉस्ट। हेलो, समझ गया ना? दोबारा मेरे ड्यूटी ज्वाइन करने तक तुम हॉस्पिटल में ही पड़े रहो। बेटे, तुम यहीं पर ठहरो, मैं जाकर शास्त्री जी से बात करके आता हूँ, ठीक है? ठीक है अंकल। शास्त्री जी, ऐसे क्यों भटक रहे हैं सर? भटक कहाँ रहे हैं, हम तो बड़े प्यार से पुकार रहे हैं। कैसे आना हुआ सर? संगीत सीखना है। आपको? नहीं नहीं, इसको। मुझको? तुझको सीखना है। आवाज अच्छी है। बड़ी मेहनत करके इसकी आवाज में मिठास आई है, अब पिताजी को बोलकर राग अलाप सिखाना है। वहाँ पर है। शास्त्री जी, वैष्णवी भार्गवि वाग्देवी त्रिगुणात्मिके विंध्य विलासिनी वाराही त्रिपुराम्बिके भवती विद्यादेही भगवती सर्वार्थ साधिके सत्यार्थ चंद्रिके मां पाहि महनीय मंत्रात्मिके मां पाहि महातंगे माया देखो, लड़की को आया भी 1 मिनट भी नहीं हुआ और देखो ये शुरू हो गया। वो शुरू नहीं हुआ सर, आप ही भटक रहे हैं। क्या हो रहा है आपस में, तू तुम्हें मैं? जी मैंने सर, ये हमारे कमिश्नर साहब की बेटी आपसे संगीत सीखने आई है, दया करके आप सिखाएंगे तो? मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो, शास्त्री जी तो तभी चले गए। क्या हुआ, मामला फिट हो गया ना? सुनो बेटी, खुश रहो। क्यों बेटी इतना आदर सत्कार दे रही हो? आप जैसे गुरु जी से संगीत सीखने का वर मिल जाए तो? तुमको संगीत की देवी ने पहले ही अच्छा वर प्रदान किया है, उसे अच्छी तरह उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है।
परसों अच्छा दिन है, शुक्रवार है, जल्दी आ जाना बेटी, उसी दिन से शुरू करते हैं। ठीक है गुरु जी। बरवीना मृदु पाणी वानरु हलो चनु राणी सुरुचि रमंबरवेणी सुरनु डैडी आ गए। नमस्कार। आप यहाँ तक आए हैं तो अंदर भी आइए ना, प्लीज कम। अब फिर कभी आऊंगा, बारिश होने वाली है इसलिए बेटी को लेने चला है। आप जैसे गुरुजी से संगीत सीखकर वाकई अपने आप को खुश नसीब समझती है गुरुजी। ये सब तो उसका प्यार है, बच्ची को संगीत का बहुत ज्ञान है, तभी तो अच्छी तरह संगीत को समझती है। आप एक मिनट पहले आते तो कोयल जैसी मीठी आवाज में गाना गा रही थी, जिसे आप सुनते तो
सॉरी, आज मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। चलती हूँ गुरुजी। अच्छा बेटी, हाँ कौन बोल रहा? सर ऐसा ही बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर जिसे रेस्ट किया था वो एमएलए का बेटा है। देखो, गलती करने वाले चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। FIR रजिस्टर करो, कोर्ट में कल पेश करो। लेकिन बात ये, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। सर पूछ लीजिए पिताजी। अर्चना सच में बड़ी किस्मत वाली है बेटा। अगर किस्मत वाली नहीं होती तो आप जैसे गुरु की शिष्य बनने का मौका थोड़ी मिलता। नहीं बेटे, न्याय और धर्म का पालन करते हुए किसी से न घबराने वाले एक महान योद्धा की बेटी है, इसलिए संगीत में अर्चना को अपनी वारिस बनाने की इच्छा आज मुझ में ज्यादा हो गई है। वो चिरंजीवी संगीत सरस्वती में बड़ी महान बनेगी। कल जब हजारों चाहने वाले उसकी तारीफ करेंगे तो उसकी खुशी में मुझे भी अपने पर गुरूर होगा कि वो मेरी शिष्य है। बस वही खुशी मेरी गुरुदक्षिणा होगी। हम ऐसा वैसा चोरी का सामान नहीं खरीदते सर। हमारे सिटी में 15 ब्रांच हैं, हमारे कस्टमर बहुत हैं। हम गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक ही KDM सोना बेचते हैं। वैसे सुना है आप सस्पेंशन में हैं अब तक, ऐसे इंक्वायरी वगैरह करके हमें सता रहे हैं, मैं ACP को बता दूंगा। सुन, तू KDM सोना बेचता है या KDM सोना खरीदता है ये मैं जानता हूँ। डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है कमिश्नर साहब के घर से। वैसे डायमंड नेकलेस इस शहर में खरीदने वाला तू ही है ये भी मैं जानता हूँ। अगर वो नेकलेस तेरे हाथों से खरीदा या बेचा गया तो तेरी दुकान के साथ तेरा भी सफाया कर दूंगा। मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूंगा सर। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। हेल्प? कैसी हेल्प? सर वो हमारे घर पर चोरी हुई थी, जिसने चोरी की उसे मैंने यहाँ पर देखा। उसे हर हाल में भागने से रोकना होगा सर, तब तक मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ, कौन है वो? वो रहा सर। सर कहाँ चले गए? ए, स्टॉप द कार। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए? तुम भी से कह रहा हूं। सॉरी। Stop! Stop, you idiot! Stop!
चोरी तुमने की और ऊपर से उसे चोर कह रहे हो? मैंने? यस, उस दिन मैंने तुम्हें ही देखा था। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। आप एक चोर से क्या बेकार का डिस्कशन कर रही? चलाओ गोली, गोली चलाओ। छोड़ दो उन्हें, तुम छोड़ते हो या नहीं? देखो मैं गोली चला दूंगी। बहन जी जल्दी चलाओ, बहन गोली चलाओ, जल्दी चलाओ। वो कोई और नहीं, हमारे शास्त्री जी का बेटा है। हॉस्पिटल में भर्ती करा के उसकी जान तो बचा ली, लेकिन अब उसके स्टेटमेंट पर ही तुम्हारा जीवन आधारित है। चलो एक काम करते हैं, ये बात तुम्हारे फादर को बता देते हैं, अब वो ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। नहीं अंकल, मेरे डैडी कितने सिंसियर हैं मुझे मालूम है। मेरे डैडी मुझे जितना चाहते हैं ड्यूटी को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, जब वो होश में आ जाएगा तब मैं सब कुछ संभालूंगा। नो फॉर्मेलिटीज। कैसे हुआ ये सब? अनलॉक था रिवॉल्वर, इसे हैंडल करते वक्त मिस फायर हुआ सर। मिसफायर या सुसाइड अटेम्प्ट? सस्पेंड होने के बाद सर्विस रिवॉल्वर को स्टेशन में जमा करना पड़ता है, ये तुम नहीं जानते। ये सब नहीं जानता सर, लेकिन रूल्स वगैरह बहुत अच्छी तरह जानता है। आपने सस्पेंड किया तो ट्रिब्यूनल में जाऊंगा बोलता था। ये बात अगर मैं सीरियसली लूं तो क्या होगा तुम जानते हो? बस ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और सस्पेंड करोगे और क्या। देखिए इस तरह हिलिए मत, अभी अभी तो टाके लगाए हैं, हिलोगे तो दर्द होगा। नहीं डॉक्टर, इस दर्द से ज्यादा इनकी बातें मेरे दिल को चोट पहुंचा रही है, जाने दीजिए प्लीज। सुरेंद्र झूठ बोला आपने वहां पर? आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, मेरे पिताजी अपने संगीत का मुझे वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन उनको मेरे संगीत में इच्छा से ज्यादा जोश दिखाई दिया, तभी तो मुझे पुलिस ऑफिसर बनाया। उसके बाद उनके पास संगीत सीखने के लिए काफी बच्चे आए, लेकिन सब लोग जाते वक्त संगीत को हॉबी की तरह फील करते थे, पर तुम्हारे यहां आने के बाद उन्हें संगीत का एक सही वारिस मिला है, सोच के बहुत खुश होने लगे थे। लेकिन अब जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे शूट किया है, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी उसको सोच के ही मैंने ये फैसला लिया है कि तुम उनके दिल में बसी रहो। उनको हकीकत मैं नहीं बताना चाहता, और सच्चाई तुम्हारे पिताजी भी जानेंगे तो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। वो एक पुलिस ऑफिसर की तरह सोचेंगे और बाद में एक पिता का फर्ज निभाएंगे। वैसे भी एक्सीडेंटली सब कुछ हुआ, तुमने जानबूझ के थोड़ी किया है। एक सच बोल के दुख देने से बेहतर होगा उसे छुपा के भला किया जाए, इससे ज्यादा मेरे दिल में और कुछ नहीं। सुनिए, भगवान रिश्तेदार तो सबको देते हैं, मगर अच्छा दोस्त हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है।
ये बात मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं। इस बात का मतलब अब मेरी समझ में आ रहा है। लेट्स बी फ्रेंड्स। सुख दुख का बंधन है कहती है यारी ये तेरी मेरी। हाँ सच का दर्पण है कहती है यारी ये तेरी मेरी। इन राहों में हम यूं निकल पड़े अब हर कदम मिले खुशी या गम संग रहेंगे हम यूं ही जन्म जन्म संग रहेंगे हम। सुख का बंधन है कहती है यारी का दर्पण है कहती है यारी ये तेरी मेरी। इन राहों में हम यूं निकल पड़े अब हर कदम मेरे खुशी या गम संग रहेंगे हम यूं ही जन्म जन्म संग रहेंगे हम।
तेरी मेरी। इन राहों में हम यूं निकल पड़े, अब हर कदम मिले खुशी या गम, संग रहेंगे हम यूं ही जन्म जन्म, संग जिएंगे हम। हेलो अर्चना। अंकल देखो तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, सैंडलवुड की वीणा। तुम एक सिंगर बनो, ये उनकी तमन्ना है। थैंक यू। ओ चिंटू बेटे, ये क्रिकेट किट तेरे लिए। थैंक यू अंकल। ये लो बेटी, ये तुम्हारे लिए और ये भी तुम्हारे लिए। क्या विनोद, मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं? लाया हो ना, ये तुम्हारे लिए, पसंद आया? इसका मतलब दोस्ती के खातिर कुछ लाए हो, मान गए। भाई साहब लीजिए चाय पीजिए। थैंक यू भाभी। ये सब छोड़ो, तुम वो दिल्ली से ट्रांसफर करवाने वाले थे, उसका क्या हुआ? हाँ हुआ तो जरूर, लेकिन वो ट्रांसफर बिहार में हुआ। बिहार? हाँ भाई, नाउ आई एम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तुम्हारे गांव तेजपुर भी गया था मैं, वहां तुम्हारी बहन से मिला। क्या तुम मेरी बहन से मिले? अब भी वो ऐसी ही दिखती है या फिर बदल गई? वो तुम खुद ही देख लो। कुछ देर पहले पूछ रहे थे ना क्या लाया तुम मेरे लिए, देखो मैं क्या तोहफा लाया हूं। ये तुम्हारे परिवार के लिए है, तुम ही बताओ देख के कैसी है तुम्हारी प्यारी बहन। अब तक मेरी बहन वैसी ही है, बिल्कुल भी नहीं बदली वो। अब तुम्हारे जीजाजी मामूली आदमी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और साथ ही प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी। और ये जो है ये उनका बेटा है। Thank you so much. It's all right. तुम्हारी बहन भी इसी तरह तुम लोगों की फैमिली फोटो देखकर बहुत रोई थी। तुम दोनों परिवारों के बीच कुछ प्रॉब्लम से ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन वो क्या है मैंने तुमसे कभी भी नहीं पूछा, क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम्स है। बहन भाई का संबंध बड़ा अटूट होता है, जैसे राखी के दिन बहन भाई को चाहे कहीं भी हो याद करती है। सगी बहन से भी ज्यादा तुमने उसे प्यार दिया, फिर क्यों दूर हो गए तुम दोनों? दोस्त होने के नाते क्या मैं जान सकता हूँ? बड़ी पुरानी दास्तां है, आज तुम्हें बताकर शायद दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। हम बड़े जमींदार थे, गांव में हमारी बहुत जमीन जायदाद थी। सामने के घर में ठाकुर ठाकुरायन और उनकी बेटी रहा करते थे। दोनों परिवारों के बीच बहुत प्यार आदर सत्कार हुआ करता था, जिसे सारे गांव वाले दो भाइयों का कुटुंब कहते थे। बिहार में ठाकुर और भूमिहीनों के बीच हमेशा झगड़े चला करते थे। अमीरों को हमेशा ये डाकू लूटते थे और खून खराबा चलता था। एक बार राखी के दिन डाकुओं ने हमारी खुशियों में आग लगा दी और हम दोनों परिवारों को चारों तरफ से घेर लिया। गोलीबारी 2 घंटे चली और इस लड़ाई में यशोदा के माता पिता मारे गए, और मरते मरते यशोदा के घर वालों ने यशोदा को मेरे हवाले करते हुए कहा कि आज से मैं उसका रखवाला, उसका बड़ा भाई, सब कुछ मैं ही हूं। प्यारी यशोदा रोते रोते मुझसे लिपट गई। उसके बाद मैं गांव छोड़कर उसके साथ तेजपुर आ गया। पढ़ाई खत्म करके मैं पुलिस ऑफिसर बन गया और वहीं गांव में मेरी मुलाकात राणा से हुई, जो बड़े ठाकुर का बेटा था। हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और राणा गांव रक्षक दल का सरदार बन गया। मैं पुलिस के बारे में सोचता था और वो हमेशा गोलियों से खेलता था। उसका मेरे घर आना जाना बहुत बढ़ गया। एक दिन पता चला कि यशोदा और राणा एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। दोनों की शादी करवा दी मैंने। तभी महाराष्ट्र कैडर में मेरा सिलेक्शन हो गया। वहां मुंबई में मेरी मुलाकात शारदा से हुई और दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला किया। ये बात मैंने अपने दोस्त और जीजा जी को बताई और उसको यह पसंद नहीं था। उसके दिमाग में था कि मैं उसकी चचेरी बहन से शादी करूंगा। दोनों में बहस की वजह से तनाव हो गया। वो अपने एहसानों का बदला मांग रहा था। बात इतनी बिगड़ गई कि उसकी चचेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। राणा ने उसकी मौत का कारण मुझे समझा और मुझे मारने चलाया, लेकिन यशोदा ने मेरी प्राणों की भीख मांगकर वहां से मुझे बाहर निकाला और उस दिन से मैं अपनी यशोदा से बिछड़ गया, हमेशा हमेशा के लिए। और आज तक अपनी बहन की शक्ल देखने के लिए मैं तड़पता हूं, भगवान पता नहीं कब हम दोनों भाई बहन को मिलने का मौका देगा। परेशान मत हो, तुम दोनों भाई बहन के बीच कोई नहीं आ सकता,
मैंने सुना है भारत देश में जहाँ कहीं भी कुंभ का मेला लगता है तुम्हारे जीजाजी वहाँ जाकर अपनी चचेरी बहन की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध जरूर करवाते हैं। और इस साल ये मेला तुम्हारे राज्य में लगने वाला है। वो परिवार के साथ वहाँ जरूर आएंगे और मुझे विश्वास है कि वो पुराना झगड़ा भूल के अपने दोस्त को माफ कर देंगे। पटना से हैदराबाद जाने वाली पटना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। यात्रियों का स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ट्रेन नंबर 7615 पटना से हैदराबाद जाने वाली पटना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। यात्रियों का स्वागत है। डैडी, बुआ और सब लोग आएंगे ना? विनोद अंकल ने बिहार से फोन करके बताया कि वो लोग निकल चुके हैं, जरूर आएंगे यहाँ पर। ठीक है सर, मैं सब संभाल लूंगा सर। ओके सर। सर क्या हुआ? बिहार से कोई एक एमपी आ रहे हैं सर, वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पधार रहे हैं। सस्पेंड होकर भी इतने सिंसियरली ड्यूटी कर रहे हो। ये प्रिंट आउट तो मेरे डैडी को दोगे तो जो बैड इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर है वो चला जाएगा। वो नहीं मानेंगे। क्यों? अपना सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए किसी और की फोटो लाकर उन्हें दे रहा हूं ऐसा बोलेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब जैसे बारिश के आने से पहले वाली घटा, जैसे वो क्लियर हो जाती है उसी तरह तुम्हारे पापा को भी मेरी सिंसियरिटी का पता चल जाएगा। बैठो। क्या आ जाएगी? बारिश आ जाएगी। अरे इतने प्यार से बारिश आ रही है तो हम लोग भीगेंगे ना? हम भीगेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रिंट आउट नहीं भीगना चाहिए वरना उसका चेहरा एक्सपेंड करते करते एक दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा। जल्दी भगाओ, फास्ट। सॉरी सर, बैग लग गया। सॉरी मैडम। इट्स ओके, थैंक यू। इट्स ओके। पीछे हटो। अरे भगाओ जल्दी।
तुम नहीं जानती। उसने मेरी कमर पर हाथ डाला इसलिए ना। फिर जान के भी क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं स्लिप होके नीचे गिरने वाली थी तो उसने मुझे पकड़ लिया। इतनी सी बात के लिए तुम इतना मारोगे क्या? यानी मुझे कोई भी मर्द छुएगा तो तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, है ना? बिल्कुल। अगर कोई लड़की भीगे कपड़ों में हो और कोई मर्द उसे बुरी नजर से देखता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी लड़की अपने चाहने वाले के साथ चार दीवारी के बीच शर्माएगी तो अच्छी लगेगी। इस तरह भीगे बदन लोगों के सामने आओगी तो अच्छा नहीं लगता। तुम अंदर आओ ना। नहीं, तुम्हारे पापा देखेंगे तो कुछ और समझेंगे। चलता हूँ। अर्चना, तुम्हारे म्यूजिक स्कूल में फोन किया तो पता चला सुरेंद्र के साथ कहीं गई हो। तुम्हारे डैडी कितने परेशान है जानती हो? इतनी बारिश में कहाँ गई थी तुम? नए लोगों के साथ जानकारी बढ़ रही है। क्यों बेटी, सुरेंद्र तुम्हें पसंद है? पसंद अपनी जगह डैडी, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। 25 साल पहले प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने का मन किया था, लेकिन अब मुझे एक पिता होने के नाते ये सोचते हुए गलत लगा। उसके मामले में आपको कोई गलतफहमी हुई है डैडी। तुम्हें उसकी गलतियों का एहसास नहीं है, तभी उसके साथ इतनी नजदीकियां बढ़ा रही हो तुम। उसके बारे में तुम्हें पता क्या है? वो एक एरोगेंट और स्टूपिड फेलो है। ये बात नहीं है डैडी। उस पर से मेरा भरोसा उठ गया है। वो किसी दिन तुम्हारी जिंदगी से खेलने की कोशिश करेगा। मेरी जिंदगी से खेलने की कोशिश नहीं की, उसने मेरी जिंदगी बचाई है। डैडी, उसके बारे में आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उस दिन हमारे घर में इस आदमी ने चोरी की थी। देखिए, इसी के वास्ते हम प्रिंट आउट निकालने गए थे। आपने उसे सस्पेंड किया, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी बहुत सिंसियरली कर रहा है। आपके मन में जो डाउट या फीलिंग है, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। डैडी, भगवान रिश्तेदार देते हैं, मगर अच्छा दोस्त हमें खुद ढूंढना चाहिए। आपका ही कहना है ना? लेकिन ढूंढे बगैर ही मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है डैडी। आप मुझ पे शक करें कोई बात नहीं, मगर उस पर शक मत कीजिए। आपने जो कहा सच है क्या? जी बिल्कुल। बिना जान पहचान के ही जब मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, तो अगर आपका बेटा हमारा दामाद बन जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। संगीत के माध्यम से आपकी बेटी मेरे करीब आई थी, अब अगर बहू बन के हमेशा पास रहेगी तो और क्या चाहिए मुझे? सच कहा आपने, लेकिन फैसला लेने से पहले सुरेंद्र की राय जान लेना बहुत जरूरी है। सुरेंद्र, ये जो कह रहे हैं सब सुना मैंने। सुन लिया आपने? आपकी बेटी की राय जानना जरूरी है। उसने भी वही कहा जो आपके बेटे ने कहा है। मेरी मन की बात समझ के आप मुझे एक अच्छा पति दे रहे हैं प्रभु। उस दिन राजमंड्री में उस लड़की को देखा था ना, अभी भी याद है? वो लड़की ऐश्वर्या राय जैसी? हाँ, बहुत याद है साहब। उसके साथ एक रात सो गए तो मेरा 100 साल का जिंदगी बन जाएगा साहब। बस एक ही रात? एक ही रात साहब। काहे को मारा रे इसको? हाँ? साला बोलता है मामा की बेटी के साथ सोएगा तो जिंदगी बन जाएगा, तो सुला दिया। लीजिए पंडित जी। अरे बहन जी सुनिए, आप सगाई का सामान वगैरह और एंगेजमेंट की रिंग भी जल्दी ले आइए, मुझे सब कुछ तैयार करना है, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। कमिश्नर को अपने से झुक के एसआई के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए मानना कुछ डाउट सा है। असल में बात कुछ ऐसी हुई होगी,
यह लड़की संगीत का पाठ सीखने उस एसआई के फादर के पास जाती थी और ऑलरेडी सस्पेंड हुआ वो एसआई खाली बैठे कमिश्नर के बेटे को प्रेम पाठ सिखा बैठा। कुछ उल्टा सीधा हो गया होगा तो चुपचाप कमिश्नर ने एसआई के पैर पकड़ के शादी के लिए मनवाया होगा, यही बात है, समझ गए? अरे मुबारक हो भाई, क्या बाप रे, फ्रैक्चर वाला हाथ था, दोबारा हो गया। सब हो गया ना, साड़ी बदल लो अब, चलो। क्या ऐसे आ जाओ, देखो ने कितना सुंदर तैयार किया था। ओहो, दिखता नहीं तो साइड हटना। अरे कैसे दिखाई देगा, तुम किसे देख रही हो मुझे पता है, तुम तो बड़ी तेज निकली, चाहने वाला मिल गया, बेचारे डैडी अरेंज मैरिज सोच रहे हैं। तो अभी बताती हूँ। हेलो भैया, तुमने मेरे प्यार की खातिर उस वक्त अपने परिवार के साथ नाता तोड़ा और अपनी बहन से भी दूर हो गए थे मेरे लिए तुम। अब फिर से वो गलती मत कीजिए। अगर वैसा नहीं किया होता तो तुम जैसी अच्छी पत्नी मुझे कहां नसीब होती। हमारे मामले में एक जैसा, बेटी के मामले में दूसरे जैसा क्यों सोचे बोलो? सुरेंद्र जैसा नेक दिल की पत्नी बनना हमारी बेटी की खुशकिस्मती है। अपने जैसा तुझे भी संगीत का विद्वान बनाना चाहता था, संगीत तुझे रास नहीं आया, लेकिन तेरे संस्कार उस संगीत की सरस्वती को घर ला रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे। हेलो शास्त्री जी। जीजू, दीदी ने यह चिट्ठी आपके लिए भेजी है। तुमने अपने परिवार की खुशी के लिए यह फैसला किया है, मगर हम दोनों की मर्जी से की गई सगाई को इस वक्त रोकना क्या गलत नहीं होगा? तुम मेरी गलती को माफ कर दोगे? इस भरोसे से मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अनजाने में हुई गलती से हम दोनों फ्रेंड्स बने हैं, फिर हमसे बिना पूछे हमारे बड़ों ने हम दोनों को पति पत्नी बनाना चाहा अर्चना, लेकिन तुमने जो फैसला किया है वो सही है या गलत ये मुझसे बेहतर जानती हो तुम। रुके पिताजी, इस सगाई के होने से पहले कमिश्नर साहब को कुछ शर्तें माननी होगी मेरी। अब कौन सी शर्त सुरेंद्र? मुझे सस्पेंड करके मेरे करियर पर आपने जो दाग लगाया है वो सस्पेंशन ऑर्डर को वापस लेना होगा। मुझे अपना दामाद बनाना है तो आपकी हैसियत के मुताबिक मुझे प्रमोशन देना होगा। इस वक्त तुम ये फिजूल की बातें लेकर क्यों बैठ गए बेटा? ये फिजूल की बातें नहीं है, ये बातें मेरी जिंदगी से संबंध रखती है। उस दिन जिन लोगों के सामने आपने मुझे मारा था, आज उन्हीं लोगों के सामने आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। आज तक तुझे संगीत का ज्ञान नहीं है समझता था मैं, लेकिन संस्कार भी नहीं है आज पता चला। तुम जैसे खरदिमागी से इनको माफी मांगनी पड़ेगी।
इतने लाड़ प्यार से पली अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे छोटे ऑफिसर के हाथ में बिना किसी संकोच के देना चाहा, यही इनकी सबसे बड़ी गलती है, समझा तू? आज तक तुम्हें सस्पेंड किया तो समझा तुम्हारी काबिलियत को ये लोग समझ नहीं पाए, परंतु आज पता चला तुम्हारी असलियत का मुझे। तेरे इरादे मुझे पहले पता चल जाते तो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेता। जनाब आप सब बड़े लोग हैं, मैं अपने बेटे की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। पिता छोड़ मुझे। वो क्या तुझे सस्पेंड करेंगे, मैं तुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग करता हूँ, दफा हो जाओ, निकल जाओ। मेरी भी वही हालत है, अरे तो मुझे उठा लो। भाई साहब कौन सी जगह है ये? क्या है, क्या परेशानी है तुम्हें? अबे लगता हम किसी दूसरे देश में आ गए। सचमुच भाई साहब कौन सी जगह है ये? पटना स्टेशन। ओ गॉड, स्टेट पार करके आ गए हम लोग। ये इंडिया में है ना भाई? ये बिहार है साला। फॉरेन पहुंच गए, वेलकम टू फॉरेन कंट्री, वी आर एजुकेटेड वेरी यंग लेकिन भूखा। गुड ट्रेन, 5 दिनों से सफर में थे। नो फूड, नो वाटर, नो स्लीप, बिहार कमिंग, प्लीज गिव मी अ 50 रुपीज फॉर ईटिंग 2 प्लेट बड़ा पाव सर, एक्स्ट्रा 1 दाल चावल सर, बहुत भूख लगेंगे। फॉर आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम केरला बाई ट्रेन, 7 दिन ट्रेवलिंग, जनरल कंपार्टमेंट ओनली, बाथरूम में सिटिंग, नो फूड, नो वाटर, नो स्लीप, ओनली बैड स्मेल, तभी बद्दू मार रहा है, बिहार कमिंग, प्लीज गिव मी ₹100, ईटिंग बिहार बिरयानी प्लीज। अबे यार ये हम किससे मांग रहे थे यार, ये तो हमसे भी बड़ा भिखारी निकला। देखिए भाई साहब हम भूख से मर रहे हैं, 50 रुपए मांगे आप उल्टे 100 रुपए मांग कर नाइंसाफी कर रहे हैं, देखो हमारी हालत कैसे सूख गए। एंग्री करते हो, निकालो। मैं क्या निकालू, गले में जो चेन है निकालो, हाथ में ब्रेसलेट है सोने का वो निकालो, तुम भी अपनी चेन और वॉच निकालो, सब कुछ मुझे सौंप दो। सब कुछ इसे सौंप देंगे तो हम क्या करूंगा? क्या मैं भी दूं भाई? हाथ खाली करो, सब मुझको दो, ये पकड़ो और सब पर लगाओ, इस तरह पैसे कमाओ, बिहार में ऐसा ही जीते हैं भाई। हैंड्स अप, शट अप, उसमें गोली नहीं है वाहेगुरु जी। तो इसका क्या करूं? तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूँ देखने आए हो? मेरी बात तो अगर सही। प्राण छूटने लगेंगे तो मैं खुद तुमको बुलवा लूंगा, तब तक मुझे शांति से जीने मेरी दो। बात शास्त्री जी, सुरेंद्र को आपने भी मेरी तरह गलत समझा है। आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा क्यों सबके सामने सगाई के दिन बदल गया है मेरी इज्जत बचाने के लिए। उस दिन ये सगाई किसी भी तरह रुक जाए तो अच्छा होगा, यही मैंने सोचा था, लेकिन उसको पूरा किया सुरेंद्र ने, भगवान के रूप में आकर। दोनों की अटूट दोस्ती को हम लोगों ने, यानी परिवार वालों ने शादी तक ले जाना चाहा, लेकिन बिछड़े हुए मेरी बहन के परिवार और मेरे परिवार को मिलाने के लिए उन दोनों ने सोच समझकर सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहने का फैसला किया है। हमारे बनते हुए रिश्ते को इन्होंने 4 चांद लगा दिए। हम कल खुशियों को लेकर साथ बिहार जा रहे हैं अपनों से मिलने के लिए। आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जरूर हमारी बेटी की शादी में आइएगा। किसी फायदे को सोचे बिना सुरेंद्र ने हमारी समस्याओं को समझकर उसका समाधान किया है। तुमने अगर उससे सच्चा प्यार किया होता तो तुम दोनों की शादी जरूर कराता मैं। ना है तेरी खता, ना है मेरी खता साथिया, ना हो तुम बेवफा, ना हो मैं बेवफा साथिया, जो देखा था वो टूट गया इन आँखों का सपना। ये क्या है वो
तेरी खता ना है मेरी खता साथिया। मंगलू गाड़ी आ रहा है, चलो घेरते हैं उसको, आओ चलो। बाहर निकल, ये राणा प्रताप सिन्हा का फैमिली है। राणा प्रताप सिन्हा का फैमिली, वो तो हमारे एमपी साहब है ना। ए, कोनो गलती नहीं करने का, समझ गए? वो लोग डाकू हैं। अरे भाई गलती हो गई, हमारा एक आदमी मर गया, तुम्हारा एक आदमी मर गया, हिसाब बराबर हो गया। क्या हिसाब बराबर? देख लूंगा, मार डालूंगा साले। देख ले तेरे तो। ससुर के नाती कहां ले पीछे हटो। ए सुनता नहीं है का? माफ कर दीजिए, आप लोग जाइए, जाइए ना। कहां देखता है बे, कहां देखता है? तुम्हारी वजह से लफड़ा हुआ। का चिकनी सरऊ, दिमाग खराब हो गया क्या? चल कौन है डैडी? बताया था ना मुन्ना, आपके मामा जी आ रहे हैं।
तुम्हारा भैया आया है, पूरा फैमिली आया है, अरे खुशी की बात है। सब अंदर चलो चलो। प्रणाम जीते रहो बेटे। नमस्ते आंटी। हाँ बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट करता है हमारा जो बेटा है। I love you. चोली में बेग पाइप और लहंगा में थीरी एक रंग। चोली में बेग पाइप और लहंगा में थीरी एक श्रम। चोली में बेग पाइप और लहंगा में थीरी एक श्रम। अरे तोहरे खाती कोई हम कला सही बेर छूटी ए बुची हाय बुची का कहता रो। ए बुची बोल सील तहर टूटी। ए बुची बोल सील तहर टूटी। चोली में बेग पाइप और लहंगा में थीरी एक श्रम। चोली में बेग पाइप और लहंगा में थीरी एक श्रम। अरे तोहरे खात कोईनी हम कला से बेछूटी। क्या हुआ? रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ डाकुओं ने हमला किया और मुझे जख्मी कर दिया। और मेम साहब को देख के सीटी भी मारी। माफ कर दा छोटे सरकार, माफ कर दा, हमरे भाई के छोड़ दा। छोड़ दूँ? ठीक है छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। मेरी अर्चना को देख के तू विजिल मारा ना, अब मेरी आंखों के सामने उसको देख के बिल्कुल उसी तरह से विजिल मारो, तब मैं छोड़ दूंगा। बहुत मजा आ जाएगा मुन्ना, अच्छा खेल है। ए बेटी आजा आजा। डैडी उसने मुझे देख के सीटी बजाई थी, इस छोटी सी बात के लिए इतना हंगामा क्यों? ऑलरेडी उसने एक बार मेरी हंसी उड़ाई है, फिर से सबके सामने ऐसे खड़े होकर मुझे शर्मिंदा ना करने को बोलिए। डैडी डैडी प्लीज इस झगड़े को यहीं खत्म करके इसे पुलिस के हवाले करने को कहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? राणा जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ दो, उसको पुलिस के हवाले कर दो। ए यहाँ कोई नहीं होता पुलिस वाला पुलिस वाला। ए आजा बेटी दो आजा, कुछ नहीं होने वाला, हम है ना, आजा तू। आ गई, अब मार दे दिल। नहीं सरकार नहीं। ए बीच में आएगा तो इधर क्या देख रहा है, मारो विजिल मार। ए फिस फिस क्या है, पिसल मार रहा है या साइकिल का पंप मार रहा है? ठीक तरह से मार। ए मुन्ना इसका अंतिम संस्कार का हम बड़ा जुलूस निकालेंगे बैंड बाजा लगा के। ढंग टकड़ा 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 ढंग टकड़ा टकड़ा बहुत छोटा लड़का, बहुत छोटा लड़का, ये काम तुझे पहले करना। ए मुन्ना ये फालतू लोगों से तू क्या बात कर रहा है रे? अरे इनकाउंटर के पहले क्या बोलते है रे? फायर। ये टाइम पास काई को कर रहे हैं, चल इधर आ जाओ, क्या देख रहे हो? फायर। चिंटू क्या हुआ, तू चिल्लाया क्यों? क्या हुआ भैया? चलो दीदी यहाँ से चले जाते हैं, हम बहुत डर लग रहा है, हमें भी मार डालेंगे वो लोग। हाँ दीदी मुझे तो ये जीजाजी पसंद नहीं है, डैडी को हम किसी तरह मना लेंगे, ये शादी तुम्हें पसंद नहीं है बोल दो। सुन चिंटू क्या तू मुझे देखे बगैर रह सकता है? ये क्या दीदी, हम आज तक तुमसे कभी दूर हुए हैं? अगर ये शादी नहीं हुई तो इतने सालों के बाद मिली अपनी बहन को डैडी कैसे छोड़ के रहेंगे? आज से अर्चना की शादी होने तक तुम हमारे साथ यहाँ रहोगे। मुश्किल है। क्यों? ग्राम रक्षक दल को कैंसिल करने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीओ पास किया है, तुम्हारे जीजाजी एमपी है, पता नहीं मानेंगे कि नहीं। देखो डिपार्टमेंट के मामले को मेरी बेटी की शादी के साथ मत जोड़ो, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। ओए पंडित जी कुंडली देख रहा है या तपस्या कर रहा है? अरे देख रहा हूँ सब, अलग अलग देखे तो बढ़िया है। हाँ। दोनों मिलाने से मिलता नहीं, छोटा सा संकट है। अरे तुम किस लिए हो, संकट है तो निवारण करो, कुछ रास्ता ढूंढो। जरूर ढूंढेंगे साहब। क्यों जीजी हमारी बेटी की कुंडली में दोष है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे दोनों की कुंडलियां अलग से देखें
तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन दोनों जोड़ के देखें तो नहीं मिल रही हैं। लड़की के गले में डायमंड का हार पहना दीजिए, दोनों का कुंडली अपने आप मिल जाएगा। अरे फिर आए ना, पूछते नहीं डायमंड का हार है ना मेरे साले के पास। वो डायमंड का हार जो मैंने घर छोड़ते वक्त आपको दिया था, वो आप अर्चना के गले में डाल देंगे तो दोनों की कुंडलियां मिल जाएंगी। क्यों भैया, क्या सोच रहे हो? अब मैं क्या कहूँ, वो डायमंड का हार खो गया है। खो गया? कैसे? हुआ यूं कि हमारे घर में चोरी हुई थी। तू इतना बड़ा पुलिस कमिश्नर, ये कह रहे? वो हार तो चोरी हो गया। चोरी हो गया? ए, ए, तू इतना बड़ा पुलिस कमिश्नर, कमिश्नर के घर चोरी हो गया और चोर पकड़ा नहीं गया? ए, एसपी, पुलिस में ताकत नहीं है क्या रे? डायमंड नेकलेस का जानते हो ना? अरे देखो, ये तुम्हारी हरकत बिल्कुल ठीक नहीं। अब अपने को बहुत समझदार समझ रहे हो ना? कमिश्नर के घर में तुम्हारी सगाई टूटते ही तुम्हारी असलियत सामने आ गई थी। सीनियर ऑफिसर के नाते बोलता हूँ, ये डायमंड नेकलेस केस मैं हैंडल कर रहा हूँ और मैं ही तहकीकात करूंगा। तुम मुझे मेरी फैमिली के सामने इंसल्ट मत करो। जाओ, कोई दूसरा काम देखो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ये हाथ तुम्हें दे देती हूँ। मुझे वो डायमंड नेकलेस निकाल कर दो। सर, ये डायमंड नेकलेस मैंने उनसे खरीदा, ये बात बिल्कुल सच है। इसे एसीपी साहब को मैंने गिफ्ट में दिया, तो इन्होंने अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया सर। तुम्हारे ड्यूटी में ज्वाइन करते ये लोग सेल में बंद हो जाएंगे, ऐसा मुझे पता था। ये डायमंड नेकलेस बिहार भेजने का बंदोबस्त करो। श्योर श्योर। तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है दीदी, और अब पछता रही हो? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है दीदी, अपनी जिद को छोड़ के आने वाले कल के बारे में सोचोगी तो खुश रहोगी दीदी। क्या बक रही हो? सब जानती हूँ दीदी, मन कहीं है और तुम कहीं। क्यों दीदी तुम अंदर ही अंदर घुटती जा रही हो? जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथों में है, सही वक्त पर सही फैसला लोगी तो हम सब खुशी से जी सकते हैं दीदी। सच दीदी। मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ, तुम चुपचाप सो जाओ। हेलो अंकल, मैं चिंटू। चिंटू, हमें यहाँ से ले जाइए अंकल, प्लीज अंकल। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो अंकल, हम यहाँ बहुत परेशान हैं। नई जगह है ना, ऐसे ही होता है। हम यहाँ छुप के आपको फोन कर रहे हैं अंकल, आप हमारे लिए ना सही, हमारी दीदी जो आपसे बहुत प्यार करती है उसके लिए ही सही, आकर हमको ले जाइए। क्या हुआ, ठीक से बताओ। प्लीज अंकल। दीदी डैडी के खातिर ये शादी करने को राजी हुई थी, लेकिन वो असल में आपको ही चाहती है। हेलो 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 हेलो, क्या करने की सोच रहे हो? सुनो, दोस्ती की खातिर प्यार का बलिदान देना आसान है, लेकिन प्यार में दोनों की बलि चढ़ा देना बड़ा मुश्किल है। तुम दोनों के बीच प्यार है या दोस्ती है, वो तुम दोनों को ही सोचना है। ए, चुप करो। कार इतनी मेहनत से चुराई किस लिए? पार्ट्स अलग अलग करके कबाड़ी बाजार में बेचने के लिए, न कि स्टेशन में आके झक मारने के लिए। बाजार तक ले जाने के लिए टैंक में डीजल होना चाहिए ना। अबे जब हमारे टैंक में डीजल नहीं है तो इसमें कहाँ से डाले? बोल भैया, तेजपुर चलोगे? तेजपुर वो कहा भाई, मुझे नहीं मालूम तेजपुर जाने में क्या दिक्कत है। मैंने जाता जा। हेलो, विल यू गो टू तेजपुर? व्हाई नॉट, आई स्पीक बिहार टाइप इंग्लिश। वो भी टूटी फूटी बोलता है। चल रहे हो ना? दांत तोड़ दूंगा। सुन, मुझे लगता है ये बकरा फंस गया है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, अभी यही तो बकरा है। तुम लोग मुझे यहाँ के नहीं लगते। नहीं, दोनों मिलके ड्राइविंग करते हो? मैं ड्राइवर, ये ओनर। मैं ओनर नहीं, पार्टनर। नाम क्या है? चार्ल्स सोबराज। चार्ल्स सोबराज, ये तो किसी क्रिमिनल का नाम है। कम ए कम आउट। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? आजा बेटा, हैंड्स अप करो, हैंड्स अप। गले में जो चेन है वो निकालो।
जेब में जो पर्स है उसका कैश निकालो, कार में जो बैग है उसमें भरा हुआ माल बाहर निकालो। निकाल रहे लगता है। दे 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 दे। ये क्या है? खुद ही देख लो। क्या हुआ बे? अरे बाप रे भैया, ये गन कब सौंप दिया? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो समझ लो। और इस तरह हमने चोरी का प्लान बनाया, लेकिन कोई भी हमें चोर नहीं समझता। अब आप ही बताइए सर, हम लोग चोरी है ना सर? नहीं है, इसीलिए तो कुछ नहीं बचा। गाड़ी कहाँ से उड़ा के लाए हो? लाए तो मगर बेकार है, पुलिस स्टेशन में सौंप देंगे। चलो अब तो पकड़े गए हो तुम लोग, अब तेजपुर पहुँचने में कितनी देर लगेगी? पटना में पूछा था तो रात के 9:30 बजे पहुँचोगे बोला था। यहाँ तो दिन दहाड़े कुछ भी हो जाता है, और अब तो रात हो गई है। अरे बाप रे, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? सर कुछ बुद्धू लोगों ने बीच रास्ते में बैलगाड़ियाँ खड़ी करके रास्ता रोक रखा है। तुम दोनों तो बुद्धिमान हो, रास्ते से हटाओ ना उसे। एक या दो नहीं, बहुत गाड़ियाँ हैं, सुबह हो जाएगी। तो गांव तक जाने का दूसरा रास्ता होगा, पता करो। जब मेन रोड ही कच्ची है तो दूसरी रोड कैसी होगी? बाप रे, डाकू लगते हैं। लगते नहीं, वो डाकू है। रिवर्स गियर लगा के भागते हैं। जल्दी कर। अरे भागते कहाँ, रुको। सबको छोड़ नहीं। भैया भैया, भाई साहब मेरे पास पीतल की चेन भी नहीं है लूटने के लिए। डाकू साहब, डाकू होता है। हमारे पास चिल्लर पैसे भी नहीं है, जो बैठा है उसके पास बहुत माल है। उसके गले में सोने की चैन है, पर्स में भी बहुत रुपए हैं, बैग में भी बहुत सारा माल है। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ डाकू बाबू। डाकू बोलता है, इधर का देख रहे हो, अंदर देखो। हाँ हाँ, कोई नहीं है। तो फिर सोच कर रहे हो, दोनों को बांधो। ससुर को छोड़ना नहीं, उसको पकड़ो। देखो कहाँ गया, पकड़ो पकड़ो, खोजो कहाँ है। देखो उस तरफ देखो। हमने आदमी को मारा है, देखो उसको उधर। जगना मंगल, अरे कहाँ मर गए ससुर लोग? बहुत बड़ी गलती हो गई जी। बिहार में रात को घूमना नहीं चाहिए बोलने पर भी उसको शर्म नहीं आई। दरअसल उसे हम बीच रास्ते में मारने की सोच लिए थे, आपने मार के बहुत बढ़िया किया साहब। अरे तुम धीरे बोलोगे तो इनको कैसे सुनाई देगा, ये कार का आदमी लुच्चा है, तुम बिहार का आदमी अच्छा है, हम दोनों छोटा बच्चा है, अब हमें छोड़ दो, हम कच्चा है। अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हम दोनों दौड़ जाएंगे, हम आपके पैर पकड़ते हैं, हमें छोड़ कर देखिए सर। मैं गलती हो गई, गलती हो गई। बोल रहे थे मेरे बारे में? बहुत अच्छे हैं। एक आदमी 10 आदमी को मारा, बाहर खाओ खाने की आदत, इधर मेरा अनाज खा उधर उसका मार खा। ए, मरता क्यों नहीं? मुन्ना मंगल चल, आज मैं उसको मारता हूँ, चल। आपने जो एड्रेस पूछने को बोला था हमने दरवाजे ठोके, मगर कोई जवाब नहीं देता, बाहर नहीं निकलता। क्या सबके सब सो रहे हैं? सोए हैं कि डाकुओं के डर से भाग गए सब? अरे कम से कम कोई बाहर नजर आता तो उससे पता पूछते ना हम लोग। साहब यही है वो लोग, जाके इनसे एड्रेस पूछो। ये बताने वाले चेहरे नहीं लगते। पकड़ो इसे। क्या देख रहे हो, पकड़ो साले को। गायब, भाग। टाटा। साले को छोड़ना नहीं है, हरामखोर, हमारे गांव आके हमें मार देते हैं।
पकड़ो, मेरे सामने मारा, बिहार में आके सारा नाटक करता क्या, जिंदा गार दूंगा, मार दूंगा सब, मेरे सामने मारा, मारा तुम। अरे पतली गली से भाग, भाग, अरे भाग। बहुत लेट कर दिया आपने, हमने जिस बंदूक से आपको डराया था आप उसी बंदूक से इन्हें डरा रहे हो। हाथ क्यों उठाया तूने? उस पे बंदूक तानी इसलिए हाथ उठा दिया, उसके गोली चलाने से पहले हाथ जोड़ लेते हैं हम लोग। ए, शायद उनको समझ में नहीं आया। बहुत असली है, जाके बंदूकें इकट्ठा करो। अरे जहाँ से अच्छा सितारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। जेब में बहुत माल है, निकाल लूं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। इनमें से कोई रणवीर सिन्हा साहब का एड्रेस जानता है या नहीं? सुरेंद्र, सर, सुरेंद्र तुम यहां कैसे? जानते हो ये कौन है? यहां के एमपी है, मेरे जीजा जी हैं, और ये उनका बेटा अर्चना का होने वाला पति। लेकिन तुम्हारा इस तरह अचानक आखिर हो क्या रहा है? सर वही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, गांव में एंटर होते ही आपका एड्रेस पूछने से पहले ही हम पर अटैक कर दिया। इन्होंने हमें बात करने का मौका तक नहीं दिया। सर क्या यहाँ सब ऐसे ही लोग हैं? सर देश को बचाने वाले गन पकड़ेंगे तो मिलिट्री वाले कहलाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले गन पकड़ेंगे तो पुलिस ऑफिसर, लेकिन इन लोगों के हाथ में गन्स देखकर मैंने इन्हें डाकू समझ लिया। सॉरी सर। कौन है ये, इधर क्यों आया फिर? राणा ये सुरेंद्र है, मेरा सबऑर्डिनेट, बहुत डायनामिक और सिंसियर ऑफिसर है, हमारा फैमिली फ्रेंड है। ओहो फैमिली फ्रेंड है, ए हाथ नीचे करो, फैमिली फ्रेंड है अपना। अच्छा फैमिली फ्रेंड है ये, इधर क्यों आया फिर? क्या बात है सुरेंद्र, इनविटेशन भेजे बिना ही तुम वैसे अचानक, कम से कम इन्फॉर्म तो कर देते तुम। हाँ मैं एमपी, पार्लियामेंट में सबको ऐसा बिठाता हूँ, चलो तू मेरे को इधर ऐसा बिठाया। अर्चना मुन्ना शादी छोड़ दिया, बिहार कमिंग छोड़ दिया, ये सब। ए उठो साले, उठो, घबराने का नहीं है, चला फैमिली फ्रेंड अपना हो। साला बिना वेडिंग कार्ड दिया नहीं, बिना बोला आया, क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को भी दिमाग थोड़ा कम रहता है। दिखाओ। ये डायमंड नेकलेस आपको देने के लिए आया हूँ सर। वेल डन माय बॉय। राणा जानते हो ये क्यों आया? अरे मालूम हो गया रे, दिखा दिया ना डायमंड देने के वास्ते आया। अच्छा आज मैं है रे, तो ये डायमंड का वैल्यू मालूम है? 20 लाख। 20 लाख मतलब बहुत होता है। इतना पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन लगता है 2000 से ज्यादा होगा। जब तक वो डायमंड हमारे हाथ नहीं लगता यही लॉक हो जाते हैं। पुलिस वालों को भी दिमाग बहुत होता है, क्या देख रहे हो? सेलेक्ट करो, डायमंड देने के वास्ते आया है, ये अपना ग्राम सेवक दल है, और पुलिस वालों को भी ताकत बहुत होता है। ताकत यहाँ नहीं, यहाँ होती है। मालूम है रे, ताकत इसमें होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता इस। ए रणवीर, आज से अपना गेस्ट है अतिथि, चलो घर जाके बात करेंगे। ए बैग उठाओ, चलो। कोई चीज दोबारा मिल जाना सबके नसीब में नहीं, आइंदा संभाल कर रखना। ये तीनों जाने से पहले ही मार दूंगा। भगवान रिश्तेदार देते हैं, मगर दोस्त हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। वे आर बेस्ट फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? पहली मुलाकात में ही कुछ अजीब सी फीलिंग हुई थी। तुम्हारे छूने से जो एहसास हुआ था उसे मैं कैसे बयान करूं? आज उस एहसास को फील करती हूँ तो अच्छा लगता है। तुम्हारी आंखों में देखते हुए तुमसे कुछ कहने का मन करता था, मगर जबान से कुछ नहीं निकलता। तुमसे कुछ कहना चाहती थी मगर कुछ कह नहीं पाती थी। जब भी अकेली होती हूँ उन्हीं लम्हों को याद करती हूँ। तुमसे दूर हो जाऊंगी सोच के ही मन में हलचल होने लगती है।
एक डर मेरे तन बदन में जागता है। बोलो ना सुरेंद्र, क्या तुम्हें भी मेरी तरह ही यह एहसास होता है? ये सब मैं शादी के बाद पूछना चाहती थी। एक समय दोस्ती के लिए मैंने अपना हाथ बढ़ाया था, प्यार करके भी दोनों फ्रेंड्स ही रह जाएंगे। मैंने तुमसे झूठ कहा था, तुमसे ही मेरी जिंदगी शुरू होती है, सारी खुशियां तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। आपने भी तो हमारी दीदी से प्यार किया था ना अंकल? जिस झूठ के कारण तुम्हारी दीदी मुझसे दूर हुई है, उसी झूठ का सहारा लेकर तुम्हारी दीदी के नजदीक चला जाऊं तो? लगता है हमें यहाँ किसी ने नहीं पहचाना। अब हमें जिंदगी में कोई चोर नहीं कहेगा, कोई नहीं पहचानेगा। क्या बात है साहब, ये लोग सगाई इतनी धूमधाम से कर रहे हैं तो शादी में कितना खर्च करेंगे? सर बिहार के लोग कितने पागल हैं। और तुम भी। ये सगाई नहीं है बल्कि सगाई और शादी का मुहूर्त तय किया जा रहा है। तो ये बात है, इतनी बड़ी शादी को देखकर हम बहुत खुश होंगे, एंजॉय करेंगे। देखने के लिए तुम रहोगे तब ना? क्या मतलब, शादी वादी देख के उनके दिए हुए तोहफे वगैरह लेकर हाथ आए सामान को उठाकर हम दोनों यहाँ से निकल लेंगे सोचा था। तुम पहले जाओ सब कुछ लेके, मैं बाद में आ जाऊंगा। बाप रे, अचानक कैसे जाने को कहेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? कुछ सोचा आपने? गाड़ी में यहाँ से जाने के लिए बर्थ नहीं है, रोड जर्नी कितना रिस्की है अपने आँखों से देखा था आपने। आप हमारे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ जाने में ज्यादा रिस्क रहेगा। मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। इसमें बहुत दम है, ये कुछ भी सबको मार दूंगा। उसे मार दे। दूल्हे राजा को? मैं दूल्हे को मार दूंगा तो उस लड़की से शादी कौन करेगा? मैं करूंगा, और कौन? ऐसे टाइम में मजाक क्यों करते हो भाई? वहाँ बड़े बुजुर्ग शादी का मुहूर्त तय कर रहे हैं। शादी मैं ही करूंगा। कंफर्म बोलता है? तुम भी थोड़ा सीरियस हो जाओ। तुम्हें ट्रेन में जाने से परेशानी है बोल रहा था, उल्टियाँ भी होती है ना? बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए किसी ट्रैवल वाले को पकड़ के यहाँ से डायरेक्ट बस में चले जाएंगे, वो भी वीडियो कोच में। चल रात को चढ़ते हैं। हाँ सर, आप बड़ी खुशी से शादी करके और दुल्हन को लेकर जम पाए। चलो जी। लो, आज से अर्चना आपकी बेटी नहीं मेरी बेटी है। ये इसकी खुशकिस्मती है। दीदी, तुम्हारे गले में 20 लाख का डायमंड पड़ने पर ही कुंडलियाँ मिली है, अब तुम्हारे दिलों को मिलाने के लिए कितने करोड़ खर्च करने पड़ेंगे? 20 लाख बहुत होते होंगे। सफर कैंसिल करेंगे तभी मिलेंगे। मुझे भी यही लगता है, लेकिन मुझे लफड़ों से डर लगता है, कहीं हम लोग फंस गए तो। 20 लाख आएंगे तो लफड़ों से दूर हो जाएंगे ना। क्यों? अभी तक निकले क्यों नहीं? हम कैसे जाए बताओ, तुम्हें अकेला छोड़ के, वो भी दुल्हने को साथ लेकर जाने की जो सोच रहा हो उसको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं भला? बोलो, बेशर्मों की तरह। हा? तो ये सोच कर रुक गए तुम? क्यों नहीं सोच सकते हम? आप यही लड़की क्या शादी में आई सारी लड़कियों को लेकर जाओगे तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे? आपकी हिम्मत देखी है, आपकी दिलेरी भी देखी, इसीलिए वापस आ गए। मतलब इतनी मेहनत करके डायमंड की वैल्यू पता की तुमने? चल गया, 20 लाख की क्या वैल्यू होती है? उस पर नजर भी डाली तो फाड़ दोगे ना? सब लोग सुनो, पंडित जी ने सगाई और शादी का डेट फिक्स किया है। नेक्स्ट वीक बुधवार को सगाई, गुरुवार को शादी। कमाल का घर है भाई, यहाँ तो मालिक से ज्यादा नौकर घूम रहे हैं। ए, क्या बकता है? इधर आओ। अरे बाप रे, ये तो यही बैठा है। कब जाएगा? आप जरा सिक्योरिटी कम करेंगे तो हम अपना काम निपटा के बाद में दूसरा काम भी समाप्त करके हम दोनों वापस चले जाएंगे। फिर नहीं आएंगे, चले जाएंगे। पागल की तरह क्या तमाशा कर रहा है? तुम दोनों डेट डेट बताओ, यहाँ से कब जाएगा? तो सुनो, बिग मैरिज बाद में हम दोनों पास जाएंगे। शादी के बाद जाएगा, तब तक जी लो। ए, चलो रे। नमस्ते। क्यों, कब तक जाओगे पूछ रहा है? कमाल है, इतनी जल्दी आपने सुन भी लिया? यहाँ से निकलते ही उड़ा देने के लिए। क्या उड़ाएगा हमें? अच्छा कैसे उड़ाएगा हमको? तुम इधर लड़की को उड़ाओगे, वो हमको उड़ा देगा, फिर हम दोनों किसको उड़ाएंगे बोलो? हमने यहाँ कदम रखते ही क्या किया था? उस बाप बेटे को मुर्गा बनाया था। तो बेइज्जती का बदला वो जरूर लेगा। समझदार को इशारा काफी है। तभी तो कहता हूँ, बाहर जाती तुम्हारी बॉडी भी पैक हो जाएगी। ये अन्याय है, जाके उसको बोलो। सुनो, आप उस लड़की को उड़ाकर ले जाएंगे तो हमारी बॉडी उड़ा देंगे ना, फिर तो अच्छा होगा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे,
अंकल शादी की डेट भी पक्की हो गई है। दीदी को कैसे मनाएंगे? हमें उसे मनाने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम ये डायरी ले जाकर अपने डैडी को दो, दीदी खुद ब खुद मान जाएंगी। बनारसी साड़ी तुम्हें पसंद है ना, फिर तुम्हें एक ही साड़ी हमेशा गलत होती है। सुरेंद्र अंकल की सिलेक्शन कितनी अच्छी है ये डायरी देखेंगे तो पता चलेगा। ये मेरी पर्सनल डायरी है। तुम्हारी पर्सनल डायरी नहीं है, प्राइवेट डायरी है। आप देखिए ना डैडी। डैडी दीदी डैडी को पढ़ने दो ना, छोड़ो आप इधर आओ, आओ ना डैडी। वेट अ मिनट, सुरेंद्र कहाँ है? तुम्हारी डायरी पढ़ना गलत है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब तुरंत इस लड़की को अपने प्यार का इजहार करो। नहीं सर, वो लड़की अब भी मुझे दोस्त ही समझती है। अरे लड़कियां हमेशा कहने को शर्माती है, तुम थोड़ी हिम्मत करके बोल दो। शारदा, सुरेंद्र की चाहने वाली लड़की कितनी सुंदर है देखो तो। सुरेंद्र, पति पत्नी बन के रहने वाले थे तुम, मगर हालात को समझते हुए सच्चे दोस्त बनकर रह गए तुम दोनों। यही है असली दोस्ती का मतलब। तुम जिसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो, उस लड़की को दोस्त की तरह मत देखो। तुम फौरन जाकर उस लड़की को अपने प्यार का इजहार करो, ओके? ऐसा ही करूंगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। वैसे आप किसको भगाने की सोच रहे हैं सर? उस लड़की को। फिर ये लड़की कौन है? वो मेरी पसंद है और ये नापसंद है। आप तो उस्ताद हैं। मैं पागल हो जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों दीदी, इतना अच्छा सजाया तो फिर फेंक क्यों रही हो? समझ गई, सुरेंद्र अंकल तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए तुम परेशान हो ना। मैं क्यों परेशान हूँ? मैं समझती हूँ दीदी, मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझे कोई देखता था, मगर मैंने ध्यान ही नहीं दिया तो वो दूसरी लड़की को देखने लगा। तब उसे देख के मुझे कितना गुस्सा आया बताऊं? मैंने उसे पत्थर से मारना चाहा। यहाँ भी तुम्हारा यही हाल है ना? क्या रे ये, क्या सब इंग्लिश में लिखा है? क्या करने का इस कागज का? क्या टंग क्लीन करने का? क्या है ये? गवर्नमेंट का जियो है, तुम जरा इन्हें अच्छी तरह समझाओ। ये हिट लिस्ट में है जब से एमपी बने हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने इनको पुलिस प्रोटेक्शन देने को कहा है। अब कृपया करके कोई गड़बड़ किए बगैर सबसे गन्स हैंडओवर करने को कहो तुम। राणा, तुम सारे गन सरेंडर कर दो, सरकार तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। पुलिस प्रोटेक्शन? साला लफड़ा हो जाएगा, तू खुद पुलिस भाग गया। देखो भाग गया, गया ना पीछे। साला इनको प्रोटेक्शन नहीं है, ये मुझे क्या प्रोटेक्शन देंगे? ये मुझे देंगे प्रोटेक्शन? क्या बात कर रहे तू? सर आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। अच्छा चल, मैं ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी दो पुलिस, मेरे कोई भी दो आदमी से बंदूक निकाल के दिखाओ। चल मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। hey, तुम दोनों जाके उनसे गन्स लेकर आओ। IPS, don't give me protection, नहीं तो हम भी ऐसे ही सो जाएंगे। साला कौन है अभी हमको प्रोटेक्शन देने वाला? ये है ना। hey, इधर भी पुलिस ऑफिसर है, मैं तो भूल ही गया था। देख ग्राम रक्षक दल गन्स एंड शो मी पावर। इधर का पावर देखा, अब इधर का पावर दिखाओ। नो no? तू अपना फैमिली फ्रेंड है, तू इधर खाना खा ले, वो बेटर है, अच्छा है, सेफ है। ए आईपीएस चल निकल यहां से, जगह खाली कर, नहीं मांगता है। हां
इसको मारेगा तो तुझे काय को टेंशन आ रहा है? अच्छा अच्छा, वो तुम्हारा फैमिली फ्रेंड है इसलिए ना, कोई बात नहीं, ये हंसो। तुम तो बस मेरी फ्रेंड हो और मुझे मार खाते देख तुम्हें इतना टेंशन हो रहा है, तो तुम्हारी जगह मुझे प्यार करने वाली लड़की होती तो। ये गन पकड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है और ये साले गन पकड़ता है तो पूरा इज्जत चला जाता है। ए एसपी, गन सरेंडर कर रही है। चलो चलो, सब गन्स हैंडओवर कर लो। पुलिस ऑफिसर में हमेशा सिंसियरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जोश होना चाहिए, और तुमने दिखा दिया कि पुलिस वाले किसी से भी कम नहीं। वेल डन। थैंक यू सर, कीप इट अप। यहां पर गेस्ट हूं इसलिए सिर्फ नमूना दिखाया है, अगर ड्यूटी पर होता तो सोचो क्या हशर होता। ए मुन्ना, गांव में भी इज्जत निकाल दिया, सुबह घर में भी इज्जत निकाल दिया। साहब हमें नींद में जलने की आदत है। कह के बच निकलेंगे पार्टनर। उनको भरोसा नहीं हुआ तो? पहले हम अपने दोस्त पुलिस वाले को भरोसा दिलाएंगे, वो घर वालों को भरोसा दिला देगा। देखो वो आ गया। क्यों बे, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच? और क्या है कि सर, हम दोनों को नींद में चलने की आदत है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो सर जरा आपको हमारा साथ देकर हमें बचाना पड़ेगा। दोनों को नई आदत कब से पड़ी? बस 15 मिनट से। यानी 15 मिनट पहले ही आपको बताना चाह रहा था, इससे पहले मैंने आपको बता दिया। चलो सो जाओ। गुड नाइट सर। स्वीट ड्रीम सर। सोने के बाद बैड ड्रीम्स ना आए, ध्यान रखना। चुप चुप। कोई देखेगा तो स्लिप वॉक बोल देंगे, तब तक ऐसे ही चलते रहेंगे। हे बालाजी, वो डायमंड मिल जाए तो मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा। मुझे जरूर मिलेगा वो डायमंड। अरे बाप रे, सुनो ध्यान से चलो। हे बालाजी, हे भगवान, अगर ये मुझे कुछ नहीं करेगा तो मैं तिरुपति आकर तेरे दर्शन करूंगा। रुको, रात को 2 बजे किधर घूम रहे हो? ए, किसको पूछ रहा हूँ, इधर हो जाएगा शीशा है। ए, बात क्यों नहीं करते, क्या होगा इनको? स्लीप वॉक। स्लीप वॉक? हाँ, स्लीप वॉक, स्लीप वॉक। मतलब नींद में चलने की आदत है? समझ गए ना, स्लीप वॉक ही है। ए, इधर स्लीप वॉक नहीं होता, स्लीप डेथ होता है। दरवाजा लगा के चुपचाप सो जाओ, समझो? ये तो अभी भी नींद में है। ये तो एकदम ही पागल है। रुको, एक्टिंग बहुत हो गई, अब वापस आ जाओ। अरे बाप रे, हम एक्टिंग कर रहे हैं, आपको कैसे पता चला? नहीं तो अब तक हालत बिगड़ गई होती। क्या एक बार और ट्राई करोगे? नहीं बॉस। क्यों? डायमंड से प्राण बहुत कीमती है, हम जान गए हैं। डर गया क्या रे? वो टेस्टिंग चल रहा है ना, पुलिस वाला सब गन लेके गया था, वापस लेके आया। वापस काय को लेके आया? जी वो कैंसिल हुआ क्या? नहीं साहब, सीएम साहब ने आपके प्रोटेक्शन के लिए भेजे हैं। ए, सुना करे रणवीर, सीएम साहब ने मेरे प्रोटेक्शन के लिए सब गन वापस भेज दिया। ए, वो आसपी किधर है रे? उनका ट्रांसफर हो गया सर। ए, किधर हुआ रे? झारखंड सर। झारखंड? हे रणवीर, झारखंड बोले तो बहुत डेंजरस प्लेस है ना। अरे 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 अरे, पुलिस वालों को तो फुटबॉल की तरह हो गया, इधर से किक मारा उधर, उधर से किक मारा इधर। अभी क्या देख रहा है सर? क्या देख रहा है? ये ना वापस, चलो निकलो। ए, चल। जी सर। ए, चलो चलो चलो, सब लोग अंदर चलो, अपना अपना काम करो, बिहार में डरना मनाए। ए, ए, पुलिस, तुमने हैंड पावर दिखाया तो हमने ब्रेन पावर दिखाया। सीएम साहब ने खुद वापस भेज दिया सब गन्स, इसको बोलते पॉलिटिकल दम। रखो, काम आएंगी, जरूरत पड़ेगी दीपावली पर। ये दीपावली, दीपावली क्या बोल रहे रे?
बहुत अच्छे हैं ना? क्यों बेटी, तुम्हें पसंद है ना? आंटी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है दादी। अरे सुरेंद्र, कोई खास बात है? कुछ नहीं सर, मैं कल वापस जा रहा हूँ, यही बताने आया था। दो दिनों में सगाई फिर शादी भी है, तुम शादी नहीं अटेंड करोगे? यूं ही चले जाओगे? नहीं सर, मेरी भी शादी तय हो गई है, दो दिनों में सगाई होने वाली है। कॉन्ग्रेट्स, तुम्हारी मनपसंद की लड़की है ना? नहीं सर, दूसरी लड़की है। क्या तुमने अपने प्यार के बारे में पिताजी से अभी तक नहीं बताया? सर बात यह है कि संगीत ना जानने वाली लड़की मेरे फादर को पसंद नहीं, तो ये बात बता के मैं उनको कष्ट नहीं देना चाहता, इसीलिए नहीं बताया। तुम खुद को धोखा दे रहे हो, साथ में उस लड़की का दिल भी तोड़ रहे हो, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। अपने पिता के वास्ते मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुरेंद्र, ये गलत बात है। क्यों, तुम्हारी शादी तक नहीं रुक रहा इसलिए? नहीं, तुम्हें जो चाहती है उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी करना। देखो अर्चना, 25 सालों तक मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाले पिता के लिए उनकी पसंद की लड़की से शादी करना गलत होगा क्या? बी प्रैक्टिकल अर्चना, हमने शादी से पहले किससे प्यार किया ये सब बेकार है, लेकिन शादी के बाद जो लड़की मुझ पर भरोसा करके सारी जिंदगी मेरे साथ बिताएगी उससे प्यार करना मेरा धर्म है। इस तरह जीना बहुत मुश्किल है। देखो सुरेंद्र, इंसान जैसे एक ही बार पैदा होता है वैसे ही प्यार ही दिल में एक ही बार जागता है, वो अगर हमें हासिल ना हुआ तो जिंदगी उसकी यादों में रोते हुए गुजारनी पड़ती है। तुम तो देवदास की पारों की तरह बात कर रही हो। प्यार सबके जीवन में आता है, वो अगर ना मिला तो लाइफ लॉन्ग रोते हुए जीना है सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुमने मुझको बड़ी इज्जत दी है, सच बात है ना? तुम अपने पिताजी की खातिर उनकी खुशी के वास्ते मुझसे शादी से इनकार करके सिर्फ फ्रेंड्स की तरह रह जाएंगे कह के इस शादी के लिए राजी हो गई ना? मान लो अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो टेंशन मत लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सोचो तुम मुझसे प्यार करती हो और सुबह किसी और से तुम्हारी सगाई हो जाती है, तब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार रहेगा? हाँ रहेगा। कैसे रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? वही तो, कैसे रहेगा पूछ रहा हूँ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे दिल में तुम ही बसे हो इसलिए। यही तुम्हारा दिल है ना? तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूं मुझे पता है, लेकिन मेरे दिल में क्या है तुम नहीं जानती। अभी अभी तुमने जो कहा वो सच है, जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है और वो मैंने तुमसे किया है और करता रहूंगा। कहते हैं 100 झूठ बोलकर एक शादी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक झूठ बोलकर शादी रोकना चाहता हूं, ये गलत तो नहीं है? खुद जल जाना ये अच्छी बात नहीं, तेरी भीगी आंखों में अभी तेरी बातों में मैं हूं कहीं ना कहीं, ये सच है ना, कह तो जाने जाना, बिन तेरे मंत्र से मेरे नैना बरसे, जाने क्यों है तेरा इंतजार, दिल दे के दिल तड़पाना, चुप रह के खुद जल जाना, ये अच्छी बात नहीं।
पलकों में है वो बीते पल, कैसे भुलाऊं मैं। मीठी मीठी वो हलचल कैसे मिटाऊं मैं। झूठे थे तेरे वादे, क्या हुए वो इरादे, खाई थी कसमें हजार। याद है मुझे आके तेरा बाहों में शर्माना, कुछ ना कहना कुछ ना सुनना, धीरे से मुस्काना। वो प्यारी बातें वो मुलाकातें मुझको रुलाए बार बार। देके दिल तड़पाना, चुप रह के खुद जल जाना, ये अच्छी बात नहीं। तेरी भीगी आंखों में अभी तेरी बातों में मैं हूं कहीं ना कहीं। ये सच है ना, कह तो जाने जाना, बिन तेरे मंत्र से मेरे नैना बरसे, जाने क्यों है तेरा इंतजार। इससे पहले हमारे दिलों में क्या था हमने छुपाया, ये हमारी गलती थी, और अब हम जो करने जा रहे हैं ये गलत है या सही है आप ही बेहतर जानते हैं। और अगर आपको यह गलत लगता है तो अर्चना को मैं यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। अर्चना, पहले तुमने ये दोनों मेरे वास्ते एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन हमेशा इनके दिलों में एक दूसरे के लिए चाहत थी। देखो बेटी अर्चना, कहते औरत के मन को समझ पाना उस भगवान की बस की भी बात नहीं, लेकिन अगर समझने वाला मिल जाए तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए बेटी, क्योंकि ये सबके नसीब में नहीं होता। तुम खुश नसीब होगी। नहीं, बाल क्या है? मेरे बेटे का हाथ छोड़कर इसलिए है, इसका हाथ क्यों पकड़े बाल? एजी, सुरेंद्र और अर्चना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें शादी करने दो ना। साला, ये तेरा भैया हरामी पुलिस वाले के साथ लव करके मेरी प्यारी बहनों को और ये उसकी बेटी पुलिस वाले के साथ लव करके मेरे बेटे को क्या? नहीं नहीं, उसके पहले मैं उसको मार दूंगा। देख, ए, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। सुरेंद्र भाग जाओ, सुरेंद्र अर्चना को लेकर भाग जाओ, भाग जाओ। चलो चलो सब लोग निकलो, निकलो बाहर, यहाँ से बाहर निकलो सब लोग, जल्दी जल्दी। तुम लोग रुको मत, निकल जाओ यहाँ से। Come on, 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 come on
जितना चाहो मार लो, खत्म कर दो। अगर जिंदा छोड़ दिया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। साला, क्या नाटक चल रहा है? बोल, बोल। सब मरोगे। ए मुन्ना, मार साले को, मार और मार साले को। उसे छोड़ दो, प्लीज। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत करो, छोड़ दो। मैं छोड़ दूँ और ये दिल वाला इस दुल्हनिया को ले जाएगा। हम दोनों का चल करके बेटा, साले मार साले को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं मुन्ना से प्यार करती हूँ। अच्छा, मुझसे प्यार करती? आ गले बच्चा, आ साले, आ आ, दिखा दे प्यार सारे गांव वाले को। सारे गांव वालों के सामने दिखाओ अपना प्यार और अंग्रेजी में बोलो I love you। हाँ? और ऊंचा बोल I love you। तेरे प्यार में कितना दबाव दिखाओ, चल साले। तुम्हारे प्यार के साथ साथ उसको मार दोगे तभी तुमको छोड़ेंगे। जिस पेरेंट्स के लिए मुझे छोड़ के यहाँ तक आई हो उनको बचाने के लिए तुम गोली चलाओ, सोचो मत, गोली चलाओ, चलाओ गोली अर्चना, चलाओ गोली। तुम उसे कुछ मत करो, मैं उसे मारूंगी। डैडी सुरेंद्र कहाँ है? मम्मी सुरेंद्र को क्या हुआ? सुरेंद्र, सुरेंद्र, डैडी सुरेंद्र को क्या किया उन्होंने? क्या हो रहा है? क्यों रो रहे हैं सब लोग? सब गांव वालों के सामने तूने बोला था ना मेरे बेटे को आई लव यू करके, बोला था ना मेरे बेटे को आई लव यू करके, खुशी की बात है। ए सुधा, होश में आया ना ये? इसको तैयार करो, दुल्हन की तरह सजाओ और लेके आओ। पहले ये बताओ कि सुरेंद्र के साथ तुमने क्या किया? पहले मैं उसको मार दूंगा, तक पहले मैं उसको मार दूंगा। तू शादी करो मेरे बेटे के साथ और उसका अंतिम संस्कार गांव के बाहर आज। Oh,
अरे ये साला जिंदा है, ये जिंदा गाय को है, ए मार साले को। डर जाएगा साला देख तू। मुझे देखकर कोई कमेंट करता है या मुझे देखकर कोई सीटी बजाता है तो उसे मारते हो? क्या ये मानता है? क्यों हम दोनों को इस तरह देख के तुम पागल हो जाते हो? कोई भी लड़की एक मर्द से शादी करना चाहेगी। मेरे हाथों तुम सुरेंद्र पर गोली चलवा के कौन सी मर्दानगी दिखाते हो? तुमने देखा होगा, तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे लोगों को मार के मेरे लिए आया है, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। अगर तुम एक सच्चे मर्द हो और अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो इन चमचों को छोड़ के सिर्फ तुम अकेले सुरेंद्र को मार कर दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि तुम एक सच्चे मर्द हो। शाबाश शाबाश बेटी। ए मुन्ना, देख ये क्या कह रही है रे। अगर तू सच्चा मर्द है तो सुरेंद्र को मारकर अर्चना का दिल जीत ले। क्या बात कर रही है? वो मेरा बेटा है, वैसे तेरा भी बेटा है। मर्द की बात कर रही है तू? ए गल्ली से करो। ए मुन्ना, दिखाओ मर्दान के। हम लोग गोली को छाते दिखाते हैं, ना कि पेट दिखाते हैं। यही हमारी मर्दानगी है। मुझे तुम लोगों की जान नहीं, अर्चना का प्यार चाहिए। अर्चना यहाँ आई थी तुम दोनों परिवारों को एक करने, इसलिए उसकी वजह से तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर नहीं करूंगा। मुझे किसी का खून नहीं करना, लेकिन तुम अपने आप को बदलो। इंसान को प्यार से जीतो, गोली से नहीं। प्यार ही भगवान है। से बबुआ सरमाइल तोह देख के बबुआ परियाइल परदेस से बबुआ सरमाइल तोह देख के बबुआ दुल्हिन बन के सामने बैठल ओह से बियाह कैलाना एगो चुम्मा एगो चुम्मा एगो चुम्मा
से सजाईदा खिल जाए मुखड़ा दिल से।